ओम शांति ओम शांति सभी भाई बहन बोलो ओम शांति अच्छा है रेस्पान करना चाहिए ना, हाँ, बाबा हमारे से ओम शांति कहते हैं हम जब एक दो से ओम शांति करते हैं तो कितना अच्छा शब्द सिर्फ ओम शांति है पर मुस्कुराहट ऑटोमेटिक निकलती है ओम शांति के बिगर मुस्कुराहट नहीं निकलती है किसको यह अनुभव है ओम शांति के बिगर मुस्कुराहट नहीं निकलती है मैं एक राय देती हूं किसको मुस्कराना सीखना हो ना अपने आपको सिखाना हो ना दे मैं देखती हूँ किसका कां कहाँ दिलता है किसको दिल है मैं अपने आप को मुस्कराना सिखाऊं किसको दिल है डॉक्टर पता है हमको बाबा कहता था ऐसे साथियों को सा, साथ बिठाना चाहिए तो मैं प्रैक्टिकल अनुभव से कहती हूँ मुस्कराना सीखना हो तो अंदर से ओम शांति प्रो ओम शांति किसने ये रिहर्सल करके देखा है नहीं किया हो तो अभी करो मंदा तुम नोट करती जाओ कितना मिस किया है तुमने सारी लाइफ में बीके लाइफ में लाइफ है पर क्या क्या मिसिंग है अभी अभी आप कभी आज नहीं कल सुना हो या कभी क्या क्या मिसिंग है लाइफ में क्योंकि संपन्न बनना है ना जिसको ना संपन्न बनना है ना वो कोई भी बात मिस नहीं करके जाता है समझे ये, ये भी अच्छी बात है 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 अपने आप उसके अंदर जाती रहती है जो ना अच्छी बात है निकल जाती है आती भी नहीं है अंदर आए तो निकालनी पड़ेगी इसलिए नेवल को बताना चाहिए इनसाइड आउट बुक क्या है इनसाइड आउट पता है ना ये बुक देखा है तुमने देखा है अरे ये ना देखा तो क्या देखा नेवल ने मेरे से इंटरव्यू ली थी बारह घंटा दो दो घंटा एक बारी छः बारी लिया इनसाइड मेरे क्या हो बाहर की बात अंदर न जाए अंदर की बात बाहर आए सारा बुक उस पर लिखा हुआ है आपने ये नहीं पढ़ा है आप लोग तो बिजी हैं ना आप मैं ऐसी मैं स्टूडेंट हूँ कभी भी कहाँ से कुछ निकलता है ना? मैं जरूर पढ़ेंगी मैं में एक बात सुनाती हूँ बाबा की बात सुनाती हूँ क्या था मैगजीन निकलती नहीं ज्ञान अमृत ज्ञान अमृत तो पीछे नाम पर पहले त्रिमूर्ति था जगदीश भाई ने पहले जब त्रिमूर्ति फिर उसका ज्ञान अमृत नाम निकला तो जैसे उस तरह तो सुनाया ना मैं, मैं खर्चा पर जब भी बैठती कुछ न कुछ मेरे ले, पर लेने होगा ही होगा रखेंगी जरूर पढ़ने के लिए तो मैगजीन पढ़ रही थी तो बाबा ने कहा बच्ची तुम मैगजीन पढ़ती हो क्या मैंने कहा जरूर पढ़ती हूँ बाबा जब किसी को देते हैं कोई पूछे मैं कह मुझे पता नहीं है कैसे होगा बाबा ने बड़ा प्यार किया कोई त्रिमूर्ति या ज्ञान नमृत मैंने मिस नहीं किया होगा जरूर मेरे पास आएंगा भी मैं देखेगी जरूर आज दिन तक संजय के कलम जगदीश भाई का मेरे से नंबर बार पूछते जाओ क्या है जितना स्टडी करो ना तो स्टूडेंट लाइफ द बेस्ट उड्ढापा नहीं आएगा बचपना नहीं होगा एक है बचपन के संस्कार बचपन के संस्कार जब स्टूडेंट होता है ना, तो माँ बाप भी खुश टीचर भी खुश जो अच्छी स्टडी नहीं करता है ना, माँ बाप क्या इसके होंगे पता नहीं बाबा मिसाल देता था मां बाप हैं बच्चा पढ़ रहा है स्कूल में भटकता है गलियों में गया है स्कूल में घूमता है गलियों में ऐसे माँ बाप को कितनी चिंता लगती होंगी अगर हमारे हम कहते रहती हूँ विश्वविद्यालय में ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय की स्टूडेंट हूं पर बुद्धि घूमती कहाँ है सोचो मेरे भाई बहन ने भी सोचे भे भी सोचे ईश्वरी विश्वविद्यालय है, है। तो मेरे को नशा है मैं ईश्वर विश्वविद्यालय की परी हुई स्टूडेंट हूं ईश्वर ने मुझे पढ़ाया है ईश्वर ने डायरेक्ट मुझे पढ़ाया है जो अर्जुन को पढ़ाया था ना वो मेरे को पढ़ा लिया है अर्जुन का तो गीता में इतना लिखा हुआ है पर सारा जो भगवान ने ज्ञान दिया ना मेरे को दिया हे बच्चा हे आत्मा हे आत्मा हे आत्मा हे आत्मा ऐसे थोड़ी कहा यह नहीं आया तो हे आत्मा हे आत्मा हे आत्मा हर आत्मा को बाबा ने पढ़ाया है अच्छी तरह से पराया है जो बाबा ने कहा था गद्दा भी समझ जाए बाबा के बोल रहे ऐसा पर आता है तो गद्दा भी थोड़ा समझ जाए सबसे बुद्धि डल होती है गद्दे की बिचारे को अपनी मत नहीं होती है बिचारे को अपनी मत नहीं होती है इधर की मत इधर की मत इधर की मत इधर की बिचारा तो स्कूल में यही तो कहानी सब मैं समझती हूँ सभी स्कूलों में ये कहानी गद्दे की पढ़ाते होंगे है? हमारे दिनों में पढ़ाते थे अभी पता नहीं पढ़ाते नहीं पढ़ाते गद्दा होता है औरों के मत पर चलता है अपनी मत नहीं चलाता है तो बाबा हमको जो परमत है ना अनेकों के मत पर चलने वाले है ना, उसको अच्छी मत देता है गदा समझ गया गदा। तो बाबा प, अभी पुरानी पुरानी बाबा कहते गाड़ का बचा गाड़, गाड़ का बजा डाक का बचा कौन होगा जो भौ भौ करता है जो भौ भोंग करता है वो किसका बच्चा थोड़ा भी जो गुस्सा करता है वो कौन है थोड़ा भी कोई गुस्सा करता है।, उं, उं, इसे, इसे आग दिखाता है अचानक पीछे पड़ता है डर लगता है अभी तो मैं नहीं डरती हूँ सबसे ज्यादा डरती थी कुत्ते से अचानक पीछे आ करके क्योंकि बचपन में छोटेपन में पता था कुत्ते का जो काटता है ना बड़ा खतरा है अभी पता नहीं ड्रामा ऐसा है कुत्ता भी बेचारा मीठा मीठा हो जाता है भाव भाव नहीं करता है हमारे सामने इतना हमको चेंज होना है कभी भी थोड़ा गुस्सा गुस्से वाली शिकिल हुई ना वो समझे देवता पद्ध तो उनके लिए बहुत दूर है बहुत दूर है इसलिए बीच में ब्राह्मण बनाया बाबा ने ब्राह्मण माना सदा संतुष्ट सदा संतुष्ट उसमें भी भले भक्ति माल की बातें हैं, पर काम ज्ञान मान बहुत आई है ब्राह्मण भी चार प्रकार के होते हैं एक ब्राह्मण होते हैं खाना खाने वाले कोई मरा जिया फलाना टिया ब्राह्मण को खिलाएंगे खिला के फिर उसको बच्चे को लिए देंगे। भी देंगे फिर उसको दक्षिणा भी देंगे न सो खिलाएंगे नहीं ब्राह्मण को श्रद्धा भाव से पाँ भी उसका धो करके अच्छे बर्तनों में अच्छा शुद्ध खिलाएंगे ब्राह्मण है ना फिर भी ब्राह्मण है ना पर ब्राह्मण घर में जाता है बच्चों के लिए भी लेके जाओ टिफिन भर के दे देंगे कपड़ा भी दे देंगे कुछ दक्षिणा भी दे देंगे तो वो ब्राह्मण है श्राद्ध खाने वाले भावना होती है भाई इसको खिलाया माना अपने उनको पहुंच गया और दूसरे ब्राह्मण कौन से होते हैं कथावाचक सत्यनारायण की कथा करने वाले बड़े अच्छे होते हैं भावना वही कथा होंगी पर ब्राह्मण कथा सुना रहा है उसका जो सुनाने का तरीका श्रद्धा भावना होती है अच्छी सुनाता है।, है तीसरे ब्राह्मण होते हैं पंडे तीर्थ यात्रा पर लेके जाने वाले तो आज मैं किसे रुअन करते पंडों को मैंने देखा है यात्रा करना जो कराने वाले वो जन्मपत्री बताते तुम्हारा बाप ऐसा था तुम्हारे दादा ऐसा था तो काका ऐसा था फलाना ऐसा था दस पीढ़ी तक सुना देंगे वो तुम्हारे ऐसे थे याद दिलाते हैं तो हम भी आज किसको कहानी सुनाए तुम्हारा बाप कैसा था तुम्हारा दादा कैसा था तुम ग्रैंड मदर कैसी थी तुम्हारा फलाना कैसा देख तो सही इतने ऊँचे कुल्ल के है तुम तो पंडे रास्ता दिखाएंगे अच्छी तरह से यात्रा कराएंगे चौथे अपुष्कर के ब्राह्मण या पुष्कर बस बड़े श्रेष्ठ ब्राह्मण वो किसके घर का नहीं खाएंगे निवर जो कृपा लानी जात वाले है ना वो साधारण ब्राह्मण को नहीं खिलाएंगे वो ब्राह्मण खुद बनाएंगे अपने उन खिलाएंगे तो पूछो हम कौन सा ब्राह्मण चारों ही हमारे में है जो मुझे खिलाए तो समझे इसका मेरे बरों का उधार कर लिया कल भोग लगने वाला है भाई बाबा को भोग लगाते हैं अब बाबा को भोग लगाते हैं ना पहले नहीं इतना लगाते थे फिर क्या हुआ स्टोरी थोड़ा सुनाने में अच्छा है शाम के साहब नहीं तो क्या था कोई शरीर छोड़ता था ना तो लोग समझते थे इसको किसकी परवाह ही नहीं है करते क्या है हाँ शमशान में अच्छी तरह से लेके जाएंगे प्यार से पर भोग भोग नहीं लगाते थे जब सेवा पर गए ना तो भोग लगाना शुरू हुआ है मम्मा के माँ से मम्मा के मां ने पुणे में शरीर छोड़ा वो तो खुद संदेशी थी मम्मा की माँ बड़ा अच्छा भोग लेके जाती थी रतन याद है ना रोचा कितना अच्छा भोग लगाती थी मम्मा की माँ रोचा वो भी संदेशी थी भोग लगे बाबा कहता था आओ 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 बिठाएंगा चली जाएंगे एकदम ध्यानी दादी थी मम्मा की मासी वो भी ऐसे ट्रांस में जाते थे शांतमणि की माँ सती भाभी थी वो भी ऐसे चली जाती थी तीनों कोई शुरू शुरू में याद है ना भाई बहन तीनों कोई शुरू में वंडर था वरदान था बुजुर्ग थी पर ऐसी ध्यानी दादी ऐसी हमारी थी अंबाला में मेरे साथ ध्यानी दादी रही है अंबाला से पंजाब शिवा शुरू हुई है इतनी भावना से अम्बा... आपने देखी थी ध्यानी दादी कितनी अच्छी थी फर्स्ट क्लास शुरू शुरू में जब यज्ञ स्थापन हुआ है ना ध्यानी दादी खाना बना के हमको खिलाती थी सबको जो सब सम, समर्पण हुए थे ना ध्यानी दादी बनाती थी ओमनली में ध्यानी दादी सबको खिलाती थी तो हम पुष्कर ने ब्राह्मण है श्रेष्ठ ब्राह्मण है बनना के खिलाने वाले न सिर्फ खाने वाले मिला मिला खा लिया अच्छी तरह से प्यारा से बना करके और भारत तो विदेश में भी भारत में कई सेंटर भोग बनाने से खुले हैं मेरे से स्टोरी पूछो कई सेंटर्स से। जापान में भी मुझे याद है भोग बनाया भोग बनाया खिलाया अरे श्रद्धा भाव से सेवा करो जिसको खिलाया उसका उधार हो गया वो भी असर उसका अन्न खाने से ब्रह्मा भोजन खाने से मन शुद्ध हो गया कथा करेंगे तो अच्छी तरह से करेंगे ऐसे वो पत्र कागज ऐसे करके कर बोली कर, ऐसे ऐसे पढ़ के अरे कथा कर विधि पूर्वक कथा कर सुधा क्या समी हो बोली चाहिए कैसी भगवान के बोल है। हम पढ़ रही हूं आहा तो सुनने वाला भी इससे मस्त हो जाए भगवान के बोल है मैं नहीं सुना रही हूं भगवान के बोल सुनाने के लिए ये मुख जो है ना कितना भाग्यशाली है जो ये मुख उच्चारण करे भगवान ने ये सुनाया भगवान ने ये सुनाया भगवान ने ये सुनाया तो ऐसे कथावाचक बड़े श्रेष्ठ माने जाते हैं जब तक ब्राह्मण कथा करे ना तो समझेंगे अच्छा परंतु भले कोई अच्छी आत्मा होंगी ये भी मुझे बड़ा कहीं अच्छी अच्छी प्रैक्टिकली गीता हम भी बड़े प्यार से पढ़ी होंगे पर जब बाबा की गीता पढ़ता हुआ देखा कैसे पढ़ रहा है वही गीता बाबा कैसे पढ़ रहा है ऐसे पढ़ रहा है एक एक शब्द का गहराई में हे अर्जनक कर्मों की गति गुजर गति है ऐसे करके फिर हमको विचार करके बता रहा है अच्छा तो ये जो बाबा जो मुख से सुनाता है सुनाता है तो हम भी ब्रह्मा के मुख वंशावली है तो हमारे मुख से या, बाबा के बोल ऐसे निकले जो साधारण बोल कम निकल नहीं सकते निकल नहीं सकते अंदर में भगवत लीला प्रभु संगम युग पर गोपो गोपियों के आप भगवान से प्यार मुरली पर मस्ताने एक बारी मामा को बाबा मुरली चल तभी टेलीफोन वगैरह का रवाज नहीं था बाबा मुरली चलने आ गया कि बाबा हमको मामा पता नहीं चला का तो हमारी जो भागवत में गायन है ना गैया भी थी ना मुलिका ऐसे 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 कान करके ऐसे भागती चली जाती थी तुम तो वो गोप्या नहीं हो भाई हमको पता नहीं चला ना मतलब गैया का पता है मैंने कहा गैया का पता है ऐसे 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 भगवान का आवाज सुनते सुनते भाग जाती थी वहां पहुंच जाती थी अगर ऐसी जिसको मस्ती नहीं चली हुई है वो कौन है वो पंडे है उनको पता है कैसे कैसे कहाँ कहां जाना है भाई अब याद दिलाते तुम्हारे पूर्व जैसे थे तुम उस कल का हो चलो तो हम तुमको यात्रा पर लेके जाते हैं तो ऐसे जो सेवा की भावना सेवा है सेवा वो सेवा क्या है वो जैसे अजन समझाई नहीं है मैं कौन हूं मेरा बाप कौन सा है हूं मेरा फर्ज क्या कहता है सेवा वाला फर्ज क्या कहता है हाँ? हर एक अपने आपको समझे ऐसे नहीं जो सेवा कर रहे हैं उसमें हाँ बहुत अच्छा हो रहा है बहुत मेरा तो अच्छा बस पता नहीं अंदर से आता है कोई लाइना नहीं देती हूँ कंप्लेन नहीं करती हूँ पर अंदर से तो हंसती हूँ कब भी समझेंगे सेवा क्या होती है सेवा में जो फल मिलता है तो फल तो और खाएंगे बल मेरे को मिला समझ रहे हो ना सेवा का फल सबको मिला हमारा काम है अच्छा बीज बोना खेती बाड़ी की संभाल करना अच्छा फल निकला सबको मिला मिलना सबको बल मेरे को मिला यही करती चल और तो कोई काम धंधा है नहीं सिर्फ खेती बाड़ी का धंधा जानते हैं समय पर बीज बोना है उसकी संभाल करना है कोई चिड़िया खा जावे कोई कीड़ा लग ना जावे कोई फल को भी कोई कीड़ा लग गया कोई अनाज में भी कुछ अच्छा आ गया गफलत किसकी तो गीता शुरू ही होती है धर्म खेतरे कर्म खेतरे ये कर्म खेत्र है कर्म की खेती है धर्म की खेती है सत्य धर्म में रह करके अच्छी तरह से बीज बोना जो जानता है इसलिए शुरू से लेकर के कभी नहीं हम कहते थे डोनेशन डोनेशन किसको देते डोनेशन शब्द नहीं है भला हम कुछ देने चाहते क्या देने चाहते किसको देने जाते हैं नहीं बीज बोना चाहते हैं बीजू कहाँ बोएंगे पहले अंदर धरती सफा ऐसे नहीं ऊपर पर से नहीं चला गया अंदर सफला हो गया याद भी नहीं है कैसे हा सिर्फ अटेंशन रखा समय पर जमीन को पुराना सब खलास करके जो कर्मों का खाता है कि सारे कलप में अच्छा किया था पर सारा सतो से रजो तरजो से तबों पर हो गई धरती अभी उस धरती का अंदर जो धरती है ना उखेर करके सारा फेंको पर बीज बोना फिर धीरे से रखना और खेती बाड़ी वाले कभी मैलों में नहीं रहते हैं बेचारे वाइज कुटिया में रहते हैं ध्यान रखते हैं भगवान तुम बरसात ऐसी बरसाए जो सफल आ टाइम पर, पर तो बरसात पड़ती है अच्छी जी बाबा की निष्फल नहीं जाएगा तो और कुछ अकल नहीं सीखना हो तो समय है बीज बोने का जो जिसको बीज बोना नहीं आता है वो बेचारा जो मिलेगा थोड़ा बहुत फल खाना मिलेगा चलो गुजरा कर रहा है बिचारा को अच्छा है फिर भी मिल रहा है भगवान दे रहा है अच्छा है वो उसमें ही खुश है अन्य को क्या मिला उसकी विशाल बुद्धि नहीं है पर बाबा और बात सुनाता है हमको अच्छी अच्छी बातें बाबा कहते पहले सीधा ही कहेगा मोटी बुद्धि है बहस बुद्धि है अभी गधे की सुनी ना ये भैंस बुद्धि है बच्ची भैंस का दूध कभी नहीं पीना चाहिए भैंस ऐसी है ना हार बजाते चावल हिलेगी नहीं सुनिया ना सुनी, सुनी करेगी मोटी हार बजा रहे हैं हट न तो हिल तो नहीं हिलेंगी नहीं वो बुद्धि कौन सी हुई माइंड नहीं करना। ये शुरू में जो बाबा अभी तो ज्ञान बाबा दे रहा है सोच समझ के दे रहा है हमको जो दिया है भैंस है ये कान खुल जाता था यहां कहेंगे पत्थर बुद्धि है चेंज नहीं हो रही है ऐसी बुद्धियों को बाबा ने मोटी बुद्धि को महीन बनाओ गहराई में जाओ अंदर जाओ सुनी अनसुनी नहीं करो सुनी अन सुनी करने का जो आदत है ना, अच्छी बात सुनी यहां से सुनी यहाँ से निकल गई बाकी उनसे बात पूछो कौन सी बात अंदर है पता नहीं अंदर कौन सी मन गर्द बातें हैं सुनी सुनाई बातें हैं वो सुनाते हैं बाबा ने जो सुनाया ना कान दोनों खुले थे इसलिए यहां से सुना यहां से निकाला ले दोनों कान कान के द्वारा अंदर जावे नहीं जाएगा जिसको सूक्ष्म पुरुषार्थ करने का अक्ल नहीं है ना सुनना उसके यहां ऐसे से हुआ पर ये देख भी रहे हैं यहां से सुन रहा है यहां से निकाल रहा है दूसरा है ना दोनों से सुना ऐसा बस। सारा दिन बाबा की सुनाई हुई बातें अब भी सुना रहा है वंडरफुल है अब भी सुना रहा है जैसे बच्चे बने हैं ना आज दिन तक सुना रहा है उसे सुनाना नहीं छोड़ा है अव्यक्त तो करके सुना रहा है और हम लाई में आ करके सुनी अनसुनी करें कितना हमारा नुकसान होगा अगर अच्छी तरह से और सुन बातों को सुनी अनसुनी कर दो जैसे कान खुल्ले है पर सुनना ही नहीं पड़ता है ये वंडर है मैं बताती हूं सबको पता है मैं बैरी हूं सुन नहीं सकती हूं मैं तो अच्छा है अच्छा है। पर बाबा जो सुनाता है ना बैरी नहीं हूं कान खुल ले है दोनों जो बास हो है उसके लिए बैर नहीं हो जो आंखें हैं अच्छी कभी चश्मा नहीं चढ़ाएंगी कभी 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 आपने नहीं देखा मैं क्लास में चश्मा पहन के बैठूं कई बार डॉक्टर ने कहूंगा चश्मा पहनो चश्मा पहनो मेरे को तुम बता दो चश्मा ओके अच्छी है बाबा की दृष्टि ले सकती है और कोई दृष्टि लेने चाहे तो अच्छी बाबा दे दे सकता है तो कईयों को मैं इशारा जगह कर चश्मा से तुम गुजार जरूरत किया चलाने की पर आदत ये भी आदत है क्यों मेरे बाबा ने एंड तक चश्मा नहीं पहना नहीं पहना उन द, मुझे उन दिनों में डॉक्टर ने कहा था चश्मा पहनो पर बाबा के सामने मैं बैठ के चश्मा पहनू नहीं पहना कभी नहीं पहना बाबा के पैसे बताए दोनों दोनों आंखों का ऑपरेशन कराया है पंद्रह दिन के अंदर डॉक्टर ने कहा एक अभी करो दो छह महीने के बाद मैंने कहा मुझे टाइम नहीं है करना है तो पंद्रह दिन में कर लो कहा मैंने कभी ऐसे किया नहीं मेरा मेरा, मेरा कर लो पर चश्मा पहनना मुझे चश्मा नहीं पहनेगी आंखें अच्छी है इतना भगवान में भरोसा रखो मुझे कल किसने चुटकी दिया तुमने आठ शक्तियां तो बताई पर वो विश्वास बताओ बाबा में विश्वास कैसे हो तो मैंने अंदर से सोचा बहन ने अच्छा मुझे काम दिया तभी ये बता रही हूं परमात्मा में विश्वास क्या चीज है आज ये दिल से यहां यहां से चित्र से बुद्धि को महीन बनाओ तो महीन बुद्धि से बुद्धि विशाल बनेगी दूरान देश बनेंगी मंदा जा मिलता है इसे क्वेश्चन पूछा कोई तुम ख्याल नहीं करते हो मैं ख्याल क्या करेगी क्या ख्याल करो? तुम तो यहां बैठे भी वहां जी आजी का ख्याल करेगी मैं क्यों करूँ जो अच्छा संभाल के बैठी है तो यहां बैठे वही यहां बैठे वहां का ख्याल करे अरे बाबा ने इतना कराया है कर रहा है यहां बैठे मुकाय को ख्याल करे हम ऐसा संकल्प शक्तिशाली है हमारा हो, बाबा सिर्फ हमारे संकल्प को अच्छा बनाने चाहता है काम खुद करता है विश्वास सुन लो काम खुद करता है अन्य आत्माएं जो कभी ख्वाब ख्याल में नहीं होंगी उनसे कराता है वो अपने आप हाजिर हो जाते हैं और हमको क्या कहता है तुम सोचो क्या जरूरत है तुमको किसने कहा है सोच तो सर ऐसे रहो बाबा मेरा साथी है मैं उसकी साखी हूं बाबा मेरा साथी है साथी है मैं कहते तू साखी हो करके देखती चल जो बीती उसको चितो नहीं भविष्य का कोई चिंतन नहीं करो क्वालिटी संकल्प की क्वालिटी क्वांटिटी संकल्प की नुकसानकार है तू में नहीं पता ये ठीक है ना ठीक है ये ठीक है ये ना ठीक है, है कोई मानेगा कोई कोई कहेगा नहीं मेरे को तो ठीक नहीं लगता है अच्छा फिर कहेंगे ये तो ठीक नहीं लगता मैं क्या करेगी? रिश्ता बिगड़ गया ठीक है अच्छा आपको इनको आज नहीं ना कल ही ख्याल में आएंगी भले उसमें मुझे कोई धीरज धीर धर्मवा यह गीत अच्छा याद है धीर वाह तो संकल्प में जिसके धीरज है ना तो उसमें अंदर शक्ति बाबा भरता है संकल्प में ऐसे किस ठेठ नहीं है मुझे अनुभव है दस साल का अनुभव है ये है अरे तो सुन तो सही न अभी की बात सुन न तो अभी जो बाबा भगवान अभी मेरा भला कर रहा है ना कैसे होगा अरे भगवान करेगा ना भगवान भगवान मेरा बाबा है न इतना पहले पहले जब मैं ज्ञान में आई ना सभी बाबा को बाबा बाबा कहते थे मैं दीदी कहती दीदी मैं कैसे कहूं बाबा भगवान बाबा पहले मेरे भगवान बाबा ऐसे नहीं बाबा ऐसे नहीं कभी नहीं आज दिन तक ऐसे बाबा नहीं निकलेगा तो शिव भगवान भाग्य विदाता भागीरथ मशहूर है भागीरथ में शिव बाबा आने से ये रथ भागीरथ हो गया और हाथ में हमको रथ पर बिठा के लगाम पकड़ के घोड़े को चलाना सिखाया अर्जुन को सिखाता है ये मन का घोरा है ना सिर्फ लगाम पकड़ बस ये पांच घोड़े है क्यों जमाने में पांच घोड़े की गाड़ी होती यहाँ नहीं है ये पांच घोड़े की गाड़ी हा? पर मनो ये सब घोड़े जो है ना कैसे लगाम पकड़ेगा ऐसे पकड़े भरे आराम से जा रहा है सब पांचों ही घोड़े ठीक आर्डर में चल तो लगाम जो कुछ को पकड़ने नहीं आता है वो गुलाम है मन का गुलाम है सिर्फ ऐसे है याद में बैठो कहते भले हाथ ऐसे नहीं है प्रबुद्धि ऐसे शुरू में भी हम देखते थे अभी क्या है? योग पूरा ही नहीं होगा ऐसे देखना शुरू कर देंगे अरे किया हम तो कहते हैं बाबा बिठा के देखता था पर बाबा बच्ची वो जो अंदर से सच्चा याद का जो रस है ना वो अंदर आत्मा को अमृत रस पिलाते चलो याद में अमृत पी रहे हैं ज्ञान अमृत मीठा लगता है पर याद का जो अमृत है ना अंदर शक्ति देता है अंदर कितना भी टाइम किया, इसमें आप लोगों को बाकी पांच मिनट लेती हूँ ज़्यादा टाइम नहीं लूँ ना आ? तीन बातें आवश्यक है ऐसा सच्ची योगन बनना हो कार्य व्यवहार में करते हुए कर्तापन का भान हो मुझे करना है या मैंने किया है किया है वो भी अच्छा जो भी अच्छा है जो करना है बाबा को कराना है जो बाबा ने कहा बाप और ड्रामा बस क्या है बाप तो ये बातें अंदर काम करेंगी तभी जब अंतर्मुक्ता और बाहर मुक्ता के कॉन्ट्रास्ट का पता हो जिसको अंतर्मुक्ता बिनवा अभी तुम नया जो ना नई स्टूडेंट बनाए ना, बिनवा अभी नए नय से नया बाबा का बच्चा बन करके मुझे क्या करने का अभी सीख रहा है हाँ, अंतर्मुक्ता और बहर मुक्ता का कॉन्ट्रास्ट जो बैर मुखी होगा ना, उसको अंतर्मुखी होना बहुत मुश्किल है घरी-घरी ये बात ये बात, ये बात, ये बात, अंदर है बहर की बात अंदर चलती रहेंगे भले पुरानी बात है या पराई बात है पुरानी है पराई है मेरी नहीं है वो भी अंदर चलती है जो जो बहरमुखी मुखी है कभी भी भूल से भी बाबा को अच्छा याद नहीं कर सकता है जैसे भूल से याद किया क्यों वायुमंडल से याद किया यहाँ का वायुमंडल ऐसा कुछ आधा घंटा पौन घंटा एक घंटा यहाँ बिठाया ना उसे थोड़ा फ़ायदा हो गया जो फ़ायदा बावीस बीस घंटों में नहीं हुआ वो यहाँ एक घंटे में हुआ वायुमंडल का जो बाहर की कोई बात है नहीं पर मेरे अंदर में अंतर मो अंतर मन में अंदर में कान भी है मुख भी है आंख भी है अंतर है आंख बाबा को देख रही है कान बाबा की बातें सुन रही है ना? मुख बाबा तो अंदर सच्ची दिल से अंतर मुक्ता और बाहर मुक्ता का जिसने कॉन्ट्रास्ट समझा ना वो समझेगा मैं कौन हूं बाबा कौन है तब तक नहीं भले पहले से जीवन बड़ी अच्छी है पर अंतर्मुक्ता वाले की जो जीवन है ममा को कभी देखा कभी मम्मा को बैर मुक्ता के रूप में नहीं देखा मम्मा है हमारी सारा यज्ञ चला रही है सारी कारोबार मम्मा के पास है आज मैं मामा की बातें सुना मम्मा के साथ कराची में भी रहे मामा के साथ शिवा में भी रहे है लास्ट मामा हमारे पास साथ रही है पुणे में पांच सप्ताह मेरे साथ मम्मा रही है कभी बैर मुक्ता क्या होती है जैसे हम कोई अंतर्मुखी बना देते तो जो अपने ऊपर कृपा करने वाला है ना तो पहले अंतर्मुखी बने बैर मुक्ता को समझिए बैर मुक्ता नुकसानकारक घरी घरी बुद्धि को बाहर लेके जाती है बुद्धि को अंदर अपने आप को देखने के लिए बाबा को समझने के लिए ड्रामा पर चलने के लिए सुख नहीं देती है समझ नहीं देती है दूसरी बात एकांत एक प्रिय बनना चाहिए भले कितना भी गम, कितने भी लोग है पर एक के एकांत एक बना एक के अंत में जाना एक बाबा के अंत में ऐसा अंत में चला जाए जैसे ईश्वर और मैं एक दो बिल्कुल दुखो। वो इतना हम गहराई में जा रहे हैं कहा जाता है मनुष्य का अंत नहीं पाया जाता मनुष्य के अंदर में कितना कैसा भी अच्छा है या कैसा भी है नहीं पा सकते हो भले हस्बैंड वाइफ हो बाप बेटा हो अंत को पाके क्या करेंगे दुखी होंगे कहेंगे छोड़ो अच्छा निभाना है मेरी माँ है ना मेरा भाई है ना अच्छा निभा है पर ईश्वर के अंत में चले जाओ वंडरफुल है तो एकांत एक में रहना बाबा का कई पहले पाले वाले मूलिया बाबा कहता था बाबा जब मुरली चलाता है ना तो भी कोई आवाज नहीं होना चाहिए वो तो कोई बच्चों को लेके आते थे कहा बच्ची कितनी ऊंची पढ़ाई कितना ये बच्चा कोई ऊँ कर रहा है नहीं होना चाहिए समझदार वो हो जो बच्चों बच्चों को नहीं ले आए बच्चों को छोड़ के आए ये कोई हॉलीडे होम तो रही है चलो बच्चों को घुमाने लेके जाते हैं इतने सेंसिबल हो ब्रह्मणी को मैं चेक करता था चलो मैं इसके बच्चों को भी लेके जाती हूं बाबा ब्रह्मणी को बेअकल समझता था बच्चों ध्यान बच्चों में जाएगा। मां बाप क्या सुनेंगे बड़ी अंदर से समझ की बात है दूसरा जो कोई थोड़ा ज्यादा आवाज करेगा टाकटे को हटाओ ये टाकेट है सारा दिन टक 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 करती रहती है जो कभी कुछ नहीं बोलेंगे काम ऐसे करेंगे बिल्कुल शांत जैसे कर नहीं रही है बाबा को प्यारे मुझे पता था बाबा को कौन प्यारी लगते हैं जो आवाज़ में नहीं आते हैं पर काम ऐसे कर रहे हैं जैसे कि कोई आजू बाजू ऐसे बाबा को इतने प्यारे लगते थे इतने प्यारे जो आवाज में ना आए बाबा इशारा देता था इसमें दीदी फर्स्ट क्लास थी देखा था बाबा कोई सौगात देनी होती थी एक मिनट दीदी को कहता था दीदी जाओ लेके आओ दीदी जाओ लच्छू भी थोड़ा कभी टाइम लगा देती थी तो दादी दीदी के टांगे में थोड़ा ऐसे चल कहता लकड़ी की टांगे लगा दूंगा दीदी जैसी घरी घरी बाबा समझ जाती थी बाबा क्या चाहिए एक बारी मैं मधुबन आई तो हमारा हसमुख भाई था ना अहमदाबाद वाला वो वंडरफुल भाई था उसकी कहानी बड़ी अच्छी है ज्ञान में कैसे आया सारा हसमुख भाई निमित्त बना म्यूजियम से पहला पहला बाबा का बच्चा निकला तो बाबा के पास मधुबन ले कर के मैंने कहा मेरे साथ चले कहा तुम काहे को मेरे साथ तकलीफ लेती हो मैं तो रात तक काम करता था ग्यारह बजे मैं आप ही मधुबन पहुंच तो मेरे पैसे चले जाओ मैं बाबा के घर है ना बाबा के घर आता हूँ ना तो क्या इतना भरा भाई इतना अच्छा आया तो पता नहीं उसको कैसे पता था रहा था जान भाई भाई के ऑफिस के ऊपर रूम है ना वहाँ उसको रूम दिया तो किसी को बोला तुम तो उसको मदद चाहिए बल ले ला किसी मदद नहीं लिया जा करके नीचे गर्म पानी की बाल्टी लेकर के खुद जाकर स्नान ऊपर किया कोई भाई की मदद नहीं ली स्नान किया स्नान किया पर मैं तो अभी तैयार बैठा हुआ हूं मैं बाबा से मिलने जा रहा हूँ मैंने कहा मैं तो बाबा से मिलने जा रहा हूँ सीधा बाबा कमरे में आ गया मैंने कहा भाई मैं बाबा के पास मिलने जा रहा हूँ बाबा के पास इतना जो बाबा ने प्यार किया ऐसा प्यार किसने लिया होगा उन जैसे अच्छे बाबा हिस्ट्री हाल में मिलता था पर हंसूंगाई हाँ सीधा ही आया बाबा के रूप में बाबा ने कहा बच्चे को यारह बारी मुझे भंडारे में बाबा ने भेजा उसको टोलियां खिलाने के लिए <laughs> एक ले के आई फिर दूसरी लेके आई फिर बाबा कहे और भी बच्चे लेके आओ बोली दादी थी ना बोले अच्छी तरह ये भी दो ये भी दो यारह बारी मुझे भंडारे में भेजा बाबा ने थोड़े कहेंगे बाबा ये क्या ऐसा बाबा ने उसको प्यार किया जो उसकी लाइफ नंबर वन हो गई हमारा अहमदाबाद का दादा इतनी मुली से प्यार इतना मुली से प्यार रात को 11 बजे निकलता था चार बजे बाबा के सामने अमृतली योग करने आता था 68 में मैं मास में बाबा अमृत योग कराता था रात को निकलता था मुरली सुन अमृतवेला बाबा के सामने करके मुरली सुन के चला जाता था मेरे को कहता था बाबा ने मूली सुनाई तो मुझे अच्छी तरह से सुनाओ बैठ के बाबा ने क्या सुनाया मेरी टेस्ट लिया चलो पर मैं जा करके बाबा की मूली सारी उसको सुनाती थी पर के नहीं बाबा ने ये सुना कहा ये नहीं सुनाया ठीक मैं कहा नहीं नहीं अच्छा हाँ ये ठीक है बाबा के मूल्यों का बुक निकले उसने कहा बाबा के मूल्यों का बुक निकलना चाहिए पर मैं पूना में ठीक नहीं थी पूना में मेरे पास आया कहता तुम मेरी अच्छी टीचर नहीं हो मैं कहा क्या भाई साहब कहता है, तुम आकर यहाँ बैठ गई हो मैंने कहा अच्छा बोलो अच्छा गहरी अच्छी रोजान की इतनी अच्छी और पत सरी का कैसे छोड़ता है पता है बंदर है पता है आप लोगों को सरी कैसे छोड़ता है मैं आसाम में शिलांग में गई थी शिवा के लिए उसको भी खेच चुई मैं भी वहाँ शिवा पर चला जाऊँ वहाँ शिवा पर आया अच्छी तरह से रू की मेरे साथ शिवा किया और मैं वहाँ से निकल आ रही हूँ वो वहाँ से ओम शांति हो गया उसके बाडी को लेके आए ऐसे जो बाबा के बच्चे हैं नेवल क्यों सुना रही हूं जीना है तो ऐसे मरना है तो ऐसे उसके बाडी को जब अहमदाबाद लेके आए थोड़े समय में जो उस भाई ने तभी गुजरात का जो फाउंडेशन है ना बड़ा अच्छा और घर में ही राजयोग भवन बनाया खुद ने बनाया पहले नीचे घर ऊपर राजयोग भवन बनाया किसी ने सिखाया नहीं पर बाबा क्या कराने चाहता है फट से किया तो मिसाल तो बताती हूँ अंतर्मुक्ता एकांत प्रिय एकाग्रता की शक्ति ऐसी एकाग्रता की शक्ति हो जो जरा भी न मान हो न मान हो वो है कौन वो है कौन आ? बाबा का मोस्ट बिलेवेड बच्चा मोस्ट बिलवे बाबा कह ये मेरा मोस्ट बिलेवेड बच्चा है आ? कितना अच्छा है प्रवृत्ति में रहते हाँ? सब बच्चों में भी ये संस्कार डाल दिया बाबा के लिए यज्ञ के, के लिए प्यार इतना बड़ा बिजनेस वाला होते हुए जरा उस भी उसमें अपमान नहीं था जरा भी नहीं है हाँ? तो अभी मैं क्यों सुनाती हूँ लाइफ तो लाइफ है पर प्रैक्टिकल एक परमान बनना चाहिए और परमान को देख करके कईयों को प्रैक्टिकल करना आसान होता है आजकल ये सेवा जो है ना प्रैक्टिकल परमान बनने से दूसरों को प्रैक्टिकल बनना इजी हो जाता है बुद्धि चलानी नहीं पड़ती है बस ऑटोमेटिक सैपलिंग लगता है ओके okay? ओके okay? ओम शांति ताली नहीं बजाओ परंतु प्रैक्टिकल की बात है ना अभी इस वारी का मधुबन ऐसे समझना भले पहले मधुबन में आए हो पर तो इसवारी का मधुबन सारा मिल्ट करने वाला है आपको सच्चा सोना बना करके बेदागी हीरा बनाने वाला है और अब न बनेंगे तो कब बनेंगे मैंने मैंने बहुत धीरज रखा है अभी अब करो अब करो अब करो अब करो अब, कर, अब, कर, अब कर. सच्चा सच्चा जो बाबा का बच्चा है ना, उस पर कभी ग्रहचारी नहीं बैठती है सदाई विस्पत की दशा जो बीज रूप से कनेक्शन है ना, कभी नहीं ग्रहचारी जब बैठती है ना, तो न पराई में दिल लगती है न शरीर अच्छा रहता है न संबंध अच्छा रहता है जब विस्पत रस्सा है ना वो तो भी अच्छा पढ़ाई भी अच्छा याद भी अच्छा और जिसके साथ समंद्र है वो बहुत अच्छा आ, तो कोई भी बात नहीं विस्पत की रस्सा है कल विस्पत है ना तो आज जो कोई किसकी ग्रहचारी हट जाए तो सबका भोग लगेगा मेरा भी लगाना की दशा है आज बुधवार मामा का दिन है समझा फिर और जो श्याणा बाबा का बच्चा है ना, अपनी अविस्था को निर्विघ्न रखता है यज्ञ में विघ्न डालने वाले बहुत है पर मेरी ऐसी स्थिति हो विघ्नों को हटाने वाली बने विघन डालने वाली तो ना बनू पर कोई विघ्न डालने वाले है ना और विघ्नों को भगाने वाली बनू एक है विघ्न डालने वाले दूसरे है विघ्न के कारण घबराने वाले खुद नहीं डालते पर घबरा जाते हैं तीसरे है विघ्न विनाशक समय अनुसार अभी ये स्थिति ऐसी हो निर्विघ्न स्थिति हो जहाँ सब रहते हैं बिल्कुल अच्छा वायुमंडल बना हुआ वा हो और कोई आया विघन ऐसा पावरफुल योग से भाग गया ऐसी स्थिति बनानी है ओके